हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस पर हिंदी भाषण। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हम सभी यहाँ पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं रेणु शर्मा, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, पेड़ पौधों से मिलकर पर्यावरण बना है। हमारा जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है। पर्यावरण की वजह से ही हम शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं, जल व भोजन का सेवन कर पा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इस दिवस को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जल व नदियों का दूषित होना, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, अत्यधिक धुआं, हर जगह कूड़ा कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण के होने से ओजोन परत को नुकसान, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, मनुष्यों व पशु पक्षियों को नुकसान होता है। वनों की कटाई की वजह से पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखने व बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और रीसाइक्लिंग को अपनाना चाहिए। हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं ताकि हम शुद्ध हवा में सांस ले सकें। हम सभी को अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के तरीके अपनाने चाहिए। आज के दिन हमें अपने घरों, सड़क के किनारों और बगीचों में वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।